दोस्तों मैं हूं जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप किसी का भी कोई भी पर्सन को किसी भी तरह का पेंशन मिल रहा है गवर्नमेंट की ओर से, सभी तरह किसी भी तरह का पेंशन मिल रहा है, तो उसका आप KYC कर सकते हैं। और अगर नाम में गलत है तो नाम को आप करेक्शन करवा सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। KYC करेंगे तो नाम जो आधार कार्ड पर वो नाम हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो कैसे कर पाएंगे अपने पेंशन सर्टिफिकेट पे नाम को सही या किसी के भी नाम को सही, तो जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों यानी मैंने बताया था बिहार DLED ऑनलाइन फॉर्म करने में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, किस तरह मैंने इस वीडियो में बताया। और बिहार DLED किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करते मैंने इस वीडियो में आपको बताया, सब वीडियो भी आपको देख लीजिएगा, ठीक है। समय नहीं गवाते हुए वीडियो को मेन मुद्दे पर आते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया है, या आप गूगल पे सर्च करेंगे elabharti.bih.nic.in /digital सेवा कनेक्ट, आपको गूगल पे सर्च करना है, नहीं तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आप लिंक की मदद से भी आ सकते हैं, नहीं तो ब्राउजर में elabharti.bih.nic.in/digital-seva-connect पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आ जाएगी। इस वेबसाइट पर डिजिटल विथ लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका CSCID रहेगा, तो यहाँ पे कह रहा है यस करने, तो यहाँ पे यस कर देंगे। जैसे अब यस करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका ID और DGmail ID दोनों आपको शो कर जाएगा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहा है शो, मतलब सर्च करने का, एक आधार नंबर, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, बेनिफिशियरी ID, तीन ID से तीन नंबर से आप इसको सर्च कर सकते हैं किसी का भी। मान लीजिए जिसका हम करेक्शन करना चाहते हैं, KYC करना चाहते हैं, वो उसका डिटेल देंगे। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिसका मैं KYC करना चाहता हूँ उसका आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। आधार नंबर देने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करने से पहले एक काम और कर लेना होगा। सर्च पे क्लिक करने से पहले आपको अपने सिस्टम में, कंप्यूटर या लैपटॉप में बायोमेट्रिक डिवाइस जो होता है फिंगरप्रिंट डिवाइस, उसको कनेक्ट कर लेना, उसको लगा देना। लगाने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे सर्च करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो नाम पेंशन में वो नाम आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पे जो आपके बैंक अकाउंट में नाम वो नाम दिखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है एस्पर नाम, जो नाम आपके आधार कार्ड में वो नाम को आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा, और यहाँ पे आधार नंबर आपको दिखने को मिल जाएगा, आपको शो कर जाएगा। मैं आधार नंबर से सर्च किया था इसलिए आधार नंबर आ रहा है, अगर आपके में आधार नंबर नहीं आ रहा तो आधार नंबर फिलअप कर देगा। यहाँ पे कह रहा है बर्थ ऑफ ईयर, किस साल आपकी पैदाइश, वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है, तो उसके बाद अकाउंट डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है KYC आप ऑथेंटिकेट किस से करना चाहते, नाम से या बैंक नाम से या आधार नंबर से, आधार नेम से, किस नेम से आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिससे करना चाहें, तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि आधार कार्ड से आप KYC करना चाहते हैं या बैंक से, यहाँ पे पूछ रहा है किस नाम से आप KYC करना चाहते हैं, कौन नाम आप देना चाहते हैं अपने इस पे। तो यहाँ पे आप आधार नेम सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपके आधार कार्ड में, ऑन आधार नेम, ठीक है, जो आधार कार्ड पे नाम वही नाम आपको इस पे देना है, मतलब सुधार करना है। तो उसका इस तरह से इंटरफेस, उसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइस नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे रिफ्रेश डिवाइस को क्लिक करेंगे, रिफ्रेश डिवाइस पे क्लिक करेंगे ये रिडायरेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम से अपने बायोमेट्रिक को कनेक्ट कर लिया, मैंने MR4 डिवाइस को कनेक्ट किया, तो MR4 डिवाइस इसमें काम करता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सब मेरा कनेक्ट है, ये सब पूरी डिटेल मैंने दे दिया, और MR4 भी हमारा कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम MR4 को सेलेक्ट करेंगे नीचे में, जैसे जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये MR4 शो कर रहा है मेरा डिवाइस MR4 कनेक्ट है, MR4 इसमें काम करता है। आप मंत्रा लगा के भी देख सकते हैं, लेकिन MR4 काम करता है, ठीक है। ये मैं मेरा पूरा डिटेल मैं चेक कर लिया हूँ और सही है। उसके बाद यहाँ पे जो MR4 डिवाइस है उसको सेलेक्ट करने के बाद कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा, यहाँ पे जो लाल कलर में, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे मशीन पर लाइट जल चुकी है, हम फिंगर लगा लेते हैं। फिंगर लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह का आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आपको ऐड हो जाता है, कैप्चर डाउन हो चुका है, देख पा रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा, यहाँ पे ₹5 आपसे पेमेंट भी मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर आदमी पे आपको ₹5 कटेगा और ₹5 कस्टमर से आपको लेना भी है, इसमें आपको कोई रसीद निकाल के कस्टमर को नहीं देना होगा। अगर कोई कस्टमर रसीद निकालने के बोलता है देने के लिए, उसको आप रसीद का अलग से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आप ₹5 यहाँ कस्टमर से लेंगे और कस्टमर को कोई रसीद नहीं देंगे। अगर कस्टमर रसीद मांगता है तो आप उसका एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं और उसे रसीद दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, जिसका आधार नंबर, CSC ID, और यहाँ पे पेमेंट जो है ₹5, ओनली ₹5 पेमेंट आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको CSC वॉलेट से कटेगा। तो नीचे में पे फी पे क्लिक कर देंगे, पे फी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे CSC का पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे CSC का पासवर्ड इंटर कर देंगे, ठीक है। CSC का पासवर्ड यहाँ से इंटर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे वॉलेट पिन मांगा जा रहा है, ठीक है, वॉलेट पिन मांगा जा रहा है। वॉलेट पिन हम यहाँ पे इंटर कर देंगे जो भी आपका, और यहाँ पे जो आपको कट रहा है ₹1.78, मतलब कि ₹2 के आसपास कट रहा है, लेकिन ₹5 आपको कस्टमर से लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरा उनका डिटेल रहेगा जिसका हो गया है, ये सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन नंबर, CSC ID, मर्चेंट ID, सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा, इसका वेरिफिकेशन हो गया है। तो इसी तरह आप सभी का कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के साथ मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।